किसान नेता अभिमन्यु कुहार, आपसे शुरुआत कर रही हूं, अब सरकार से क्या चाहते हैं आप, थोड़ा धैर्य रखेंगे या नहीं? देखिए विपनेश जी, जब दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा था, जैसे राजीव जी बता रहे थे, तो उस आंदोलन के दौरान सरकार की तरफ से हमें पता नहीं किस किन किन संज्ञाओं से नवाजा गया। कभी आतंकवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी नक्सली कहा गया, जब संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन चल रहा था। लेकिन आज तो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए किसान संगठन के नीचे ये पंचायत हो रही है, और जैसा अभी आप रामलीला मैदान से सुना रहे थे आपके रिपोर्टर, किसानों की वही समस्याएं हैं। किसान कह रहे हैं कि भाई हमारी लागत लगातार बढ़ती चली गई और आमदनी हमारी बढ़ी नहीं। पहले की स्थिति क्या थी, जब 1 रुपया प्रति लीटर डीजल आता था, उस समय गेहूं का रेट लगभग 70 रुपया क्विंटल था। आज डीजल 100 रुपए के आसपास पहुंच गया और किसानों की जो गेहूं की आमदनी है, गेहूं का जो रेट है, वो मात्र 22-23 गुना पहुंचा। तो इससे किसानी लगातार घाटे का सौदा बनती चली गई। अगर मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करूं, तो उस रिपोर्ट के फार्मूले के अनुसार आज गेहूं का समर्थन मूल्य 3700 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए, और 2007 में जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 2014 तक उन्होंने भी उसको लागू नहीं किया। बीजेपी ने 2014 से पहले कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि भाई हमारी सरकार बनी तो पहली कलम से लागू करेंगे। लेकिन इन्होंने तो क्या किया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि इस रिपोर्ट को हम लागू ही नहीं कर सकते, ये हमारे लिए संभव नहीं है, इससे देश को वित्तीय घाटा हो जाएगा। जो किसान देश का पेट भर रहा है, उसको अगर उसकी मेहनत की कीमत दे दी जाए, तो सरकार कहती है वित्तीय घाटा हो जाएगा। अभी संसद के अंदर रिपोर्ट आई कि जितना एनपीए हुआ था बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का, मात्र उसका 13% ही वापस आ पाया, बाकी 87% कॉर्पोरेट घराने उसको ले गए। उसको जो जनता की मेहनत की, जो उनकी गाड़ी कमाई थी, उसका लगभग 8 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट घरानों ने लूट लिया। उससे वित्तीय घाटा नहीं होता है, लेकिन यदि किसान को उसकी लागत की अच्छी कीमत देने की बात आ जाए, तो ये वित्तीय घाटा की बात करते हैं। और मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो आज के आयोजक हैं, इनको भी एक स्पष्ट लाइन लेनी चाहिए, इनको सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना चाहिए और सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करने चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है अभिमन्यु कुहार जी, मैं मनोज यादव जी से इसका जवाब लूंगी। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।